हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश शुक्ला। समझ लेते हैं कि लीनियरली डिपेंडेंट होता क्या है। सो टू वेक्टर्स x1 एंड x2 आर लीनियरली डिपेंडेंट इफ वन वेक्टर इज एक्सप्रेस्ड एज मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर्स। मतलब क्या, देखो वेक्टर क्या होता है। वेक्टर मतलब मैंने सेकंड लेक्चर में साथ बताया था कि फर्स्ट लेक्चर में कि वेक्टर क्या होता है कि जहां पे सिर्फ एक रो या फिर एक कॉलम हो, एक रो या फिर एक कॉलम हो जो भी मैट्रिक्स में, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे। सिंपल, जहां पर सिंगल रो, सिंगल रो या फिर सिंगल कॉलम हो, ठीक है। सो टू वेक्टर, समझो कि मैं एक x1 वेक्टर लेता हूं 1 2 और x2 वेक्टर लेता हूं 3 6, ठीक है। तो अगर आप x2 को देखोगे तो x2 को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर्स, मल्टीपल ऑफ दिस वेक्टर। कैसे, 3 को कॉमन निकालूंगा, बचेगा क्या मेरे को, 1 2 मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब मैं x2 को क्या लिख सकता हूं, 3 2 x1, राइट। या फिर यहां से x1 को क्या लिख सकता हूं, ये 3 को वहां लिख जाएंगे तो 1/3 x2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर यहां पे देखोगे आप तो x1 एंड x2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर्स, राइट। एंड देयरफॉर वी कैन से x1 एंड x2 आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। LD मतलब लीनियरली डिपेंडेंट, LI मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। शॉर्ट में हम लोग उसको ऐसे लिखेंगे। हमने समझ लिया कि लीनियरली डिपेंडेंट क्या होता है। अगर लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, सिंपल। तो अगर क्वेश्चन आया तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वो क्वेश्चन क्वेश्चन में जो वेक्टर्स दिए हुए हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और ये सब आपको याद होना चाहिए तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, द सेट ऑफ वेक्टर्स आर सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट LD इफ द डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ वेक्टर इज जीरो। सिंपल है, आप फाइंड आउट करो। अगर समझो कि आपके पास वेक्टर दिए हुए हैं और उन वेक्टर्स को मिला के आपका स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है, तो सिंपल है, स्क्वायर मैट्रिक्स हम डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। उसका डिटरमिनेंट आप फाइंड आउट करिए। अगर डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो आया, अगर जीरो आया तो हम बोलेंगे कि वो सारे वेक्टर्स जो थे वो क्या थे, लीनियरली डिपेंडेंट थे। और अगर नॉट इक्वल टू जीरो आया तो हम क्या बोलेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट थे। और यही दो टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमें दिया है क्या, सेट ऑफ वेक्टर्स दिया है, एक वेक्टर दिया है ए, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। हमें बोला है कि चेक करो वेदर दीज वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, हमारे पास मेथड है डिटरमिनेंट के थ्रू हम इसको चेक कर सकते हैं, राइट। तो मैं इसको रफ कर लेता हूं यहां पे और मैं ट्राई करता हूं यहां पे इसका डिटरमिनेंट निकालने का, सेम एग्जांपल का, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट कैसे लिखेंगे, वेक्टर्स डिटरमिनेंट में आप क्या लिखिए, वेक्टर्स को लिख दीजिए 1 2 1 1 -1 1 3 4 1। आपको डिटरमिनेंट निकालने ऑलरेडी आता ही है तो आप डायरेक्टली इसका डिटरमिनेंट निकाल दीजिए। क्या मिलेगा आपको, 1 -1 -4 -5 -1 2 -4 -2 +3 2 +1 = 3। का क्या होगा, -5 + 2 + 9 कितना होगा, 11 -5 + 2 - 3 - 3 और 9 कितना होगा, 6। क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। नॉट इक्वल टू 0 है इसका मतलब क्या है कि जो सारे वेक्टर्स थे क्या थे, लीनियरली इंडिपेंडेंट थे, ठीक है। अगर इक्वल टू 0 आता तो हम क्या बोलते हैं, सारे वेक्टर्स क्या थे, लीनियरली डिपेंडेंट थे। बट यहां पे इस केस में क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। फर्स्ट क्राइटेरिया एकदम सिंपल है, डिटरमिनेंट आप निकालो, डिटरमिनेंट से चेक करो कि वो वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। बट ऐसा हो सकता है कि वो जो भी वेक्टर्स दिए हुए हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स ना फॉर्म करते रहे, तो उस केस में आप डिटरमिनेंट नहीं निकाल सकते, राइट। तो आप उस केस में रो बाय यूजिंग रो इक्लॉन फॉर्म आप उसका रैंक निकाल सकते हो, राइट। रो या कॉलम इक्लॉन फॉर्म से आप उसका रैंक निकाल सकते हो। तो सेकेंड क्राइटेरिया क्या है, अगर रैंक, जैसे कि आपको वेक्टर्स दिए थे, आपने इसका एक मैट्रिक्स बनाया, उसका डिटरमिनेंट एक, आपने इसका एक मैट्रिक्स बनाया, समझो कि उस मैट्रिक्स का नाम ए दिया आपने, तो अगर रैंक ऑफ ए
इक्वल टू नंबर ऑफ गिवन वेक्टर्स, ठीक है, मतलब समझो कि रैंक आपके आपके पास समझो कि पांच वेक्टर्स दिए हुए थे और रैंक समझो दो आया, तो उस केस में क्या है कि रैंक इज लेस देन नंबर ऑफ गिवन वेक्टर्स, राइट, रैंक कम है नंबर ऑफ गिवन वेक्टर्स, क्योंकि गिवन वेक्टर्स कितने थे, पांच थे और रैंक दो है। अगर रैंक इज लेस देन नंबर ऑफ गिवन वेक्टर्स देन वी कैन डायरेक्टली से द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। क्या बोला मैंने, रैंक अगर लेस देन गिवन वेक्टर्स है, नंबर ऑफ गिवन वेक्टर्स, बट अगर रैंक इक्वल टू नंबर ऑफ गिवन वेक्टर्स है, तीन वेक्टर्स दिए थे और रैंक भी आपको थ्री आया, राइट, जैसे इस केस में आपको रैंक थ्री मिलेगा, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, दीज वेक्टर्स आर सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस केस में भी अपने को क्या मिला था, लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। सो व्हेनेवर रैंक इज इक्वल टू नंबर ऑफ गिवन वेक्टर्स देन वी विल से द गिवन वेक्टर्स आर सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, एंड व्हेन रैंक इज लेस देन नंबर ऑफ गिवन वेक्टर्स देन वी विल वी कैन से द वेक्टर्स आर सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। इसमें एक नोट पॉइंट है, क्या है कि इफ द गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट देन एनी वन ऑफ द वेक्टर्स कैन बी एक्सप्रेस एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर्स, ठीक है। जैसा कि हमने यहां पे पढ़ा था लीनियरली डिपेंडेंट का डेफिनेशन, अगर टू वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट देन दे कैन बी एक्सप्रेस एज मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर्स, ठीक है। सो सेम चीज यहां पे लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर फोर क्या है, इफ एवरी नॉन जीरो वेक्टर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, मतलब क्या है, जैसे कि अभी आप वेक्टर क्या होता है, सिंगल रो सिंगल कॉलम, राइट, अगर आप ये सिंगल कॉलम है, राइट, और ये नॉन जीरो वेक्टर है, सो एवरी सिंगल नॉन जीरो वेक्टर आर ऑलवेज सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखो, ये सब पॉइंट इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए एमसीक्यू टाइप में और शॉर्ट में पूछ लिया तो हमें पता होना चाहिए सारे पॉइंट्स, राइट, उस केस में हम सॉल्व नहीं करना चाहिए, और पॉइंट अगर पता है तो डायरेक्टली हम लोग टिक कर सकते हैं। फिफ्थ क्या है, वेक्टर्स हैविंग एटलीस्ट वन जीरो वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट। देखो इसका मतलब क्या है कि जैसे कि इसका एग्जांपल मैं यहां देता हूं कि जैसे कि मेरे पास तीन वेक्टर थे एक्स वन जीरो टू वन एक्स टू 315, x3, 41, 000, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो जो थर्ड वाला वेक्टर है ये क्या है, जीरो वेक्टर है, राइट, जीरो वेक्टर है, राइट। तो अगर आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो आपको इसका डिटरमिनेंट क्या मिलेगा, आपको जीरो मिलेगा, ठीक है, मतलब 0, 2, 1, 3, 1, 5 एंड 0, 0, 0। और बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट वी नो दैट If any row or column of a matrix is zero row or zero column, then directly the determinant of that matrix is zero. तो इसका हमको क्या मिलेगा? Determinant zero मिल जाएगा। तो determinant zero मिल गया तो हमें पता है कि अगर determinant zero है तो linearly dependent है, right? But अगर समझो कि square matrix था, right? Square matrix का हमने determinant निकाल लिया। अगर square matrix नहीं रहा तो उस केस में determinant निकालना possible नहीं होगा, हो पाएगा, right? बट उस केस में हम क्या जज कर सकते हैं कि अगर कोई भी उसमें जो वेक्टर दिया हुआ है वो क्या है, जीरो है, जीरो वेक्टर है, तो हम डायरेक्टली उन वेक्टर्स को क्या बोल सकते हैं कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। सिक्स पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या है यहां पे, नंबर ऑफ वेक्टर्स समझो कि मैंने लेट किया, नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने हैं, आर है, नंबर ऑफ वेक्टर्स को मैंने आर से डिनोट किया एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच वेक्टर हमने एन से डिनोट किया, ठीक है। देखो आर और एन, जैसे कि इस केस में नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने हैं, इस केस में नंबर ऑफ वेक्टर्स तीन है, राइट, आर थ्री है, एन कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच वेक्टर इज ऑल्सो थ्री, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, तीन है, राइट। तो इस केस में क्या है कि ठीक है r लेस देन इक्वल टू n है, लेस देन भी नहीं है, इक्वल टू है, अगर इक्वल टू है तो हमारे पास डिटरमिनेंट मेथड है इसको फाइंड आउट करने का, राइट, तो वहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बट समझो अपने पास एक कुछ ऐसा केस होता कि जहां पे रैंक नंबर ऑफ वेक्टर्स दो होते
एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच वेक्टर 3 होते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होता, आर लेस देन एन होता है ना। तो बस यहां से हम डिसाइड कर सकते थे कि ये वेक्टर्स जो थे लीनियरली डिपेंडेंट थे या इंडिपेंडेंट थे। तो याद रखो जब भी आर लेस देन एन रहेगा उस केस में वो जो वेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। बट जब आर ग्रेटर देन एन रहेगा तो वहां पे क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल समझो अपने पास एक वेक्टर और है 3 4 1 और एक वेक्टर और है 5 6 7। इस केस में आर कितना है, आर मतलब नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने हैं, 4 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच वेक्टर 3 है। बट यहां पे क्या होगा, आर लेस देन एन नहीं है, यहां पे आर ग्रेटर देन एन है। जब आर ग्रेटर देन एन हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, इसको लीनियरली डिपेंडेंट है। ये सारे वेक्टर्स क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। डायरेक्टली इस पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम्स में, ठीक है। सो गाइस अब इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, डायमेंशन एंड बेसिस ऑफ वेक्टर्स। किससे रिलेटेड है, लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर से रिलेटेड, ठीक है। तो हम इसको साथ में डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। डायमेंशन क्या होता है, उसके बाद देखते हैं बेसिस भी क्या होता है, ठीक है। पहले डायमेंशन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ठीक है। लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हमने ऑलरेडी इसके पहले डिस्कस किया कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो अगर एक तो डेफिनेशन इसका है नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, और दूसरा क्या है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज और कॉलम्स। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज और कॉलम्स हमें पता है, हमने ऑलरेडी रैंक में देखा है, ठीक है। तो फाइनली हम किसी भी मैट्रिक्स अगर रैंक फाइंड आउट कर ले रहे हैं तो जितना भी होगा नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज और कॉलम्स वो सारे क्या होंगे, डायमेंशन होंगे उसके, ठीक है। उसके बाद क्या है, बेसिस। बेसिस देखो यहां पे दो चीजें हैं, डायमेंशन है बेसिस है। डायमेंशन हमने देखा कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज और कॉलम्स। बेसिस क्या होता है, देखो डायमेंशन में ना नंबर ऑफ की बात होती है बट बेसिस में ना सेट ऑफ की बात होती है। सब कुछ सेम है बट यहां पे सेट ऑफ की बात होती है, मतलब सेट्स की बात होती है। सेट्स पता है ना, ऐसा लिखते हैं हम लोग 1 2 3, ऐसा लिखे है सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर टिल इनफिनाइट। तो यहां पे सेट की बात होती है, सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। सो बेसिस इज नथिंग बट सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स और इज ऑल्सो इक्वल टू सेट ऑफ नॉन जीरो रोज और कॉलम्स, ठीक है। अगर आपको नहीं समझा है, थोड़ा डाउट है, तो सेम इसी के बेस पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम लोग चेक करेंगे कि जो वेक्टर दिया हुआ है वो लीनियरली डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, और जो भी होगा उसके बाद उसका डायमेंशन एंड बेसिस फाइंड आउट करने का, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमारा एक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस पूरे कॉन्सेप्ट को ये क्वेश्चन कवर कर रहा है। क्वेश्चन में क्या है, टेस्ट वेदर द फॉलोइंग वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट, ऑल्सो फाइंड देयर डायमेंशन एंड बेसिस। चार वेक्टर दिया हुआ है अपने को, 1 2 3 4 रो वेक्टर है। इसका हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि पहले ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, और जो भी है उसके बाद उसका डायमेंशन क्या है और बेसिस क्या है, ठीक है। तो हम लोग इस वेक्टर्स को कैसे लिखते हैं, कैसे चेक करेंगे कि लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। क्या करो, आपको जो वेक्टर्स दिए हैं उसको लिख लो, वैसे रो वेक्टर दिया हो तो रो में लिख लो उसको 1 1 -1 0, ठीक है। उसके बाद क्या है, 4 4 -3 1 -6 2 2 2 9 9 -6 and 3, ठीक है। अब आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं, राइट, कैसे देखो रो 2 में क्या अप्लाई करेंगे, रो 2 माइनस 4 आर 1। रो 3 में क्या अप्लाई करेंगे, रो 3 R3 + 6 R1, एंड रो 4 में क्या करेंगे, R4 - 9 R1, ठीक है। इससे होगा क्या कि इस 1 की मदद से, मतलब R1 की मदद से मैं इसको 0 बना दूंगा, और इसकी मदद से इसको भी 0 बना दूंगा, और इसकी मदद से इसको भी 0 बना दूंगा। पूरी को 0 बना दूंगा नहीं, मेरा टारगेट सिर्फ ये है, इनको 0 बनाने के बाद फिर हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं इजिली, राइट। और क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट से अपने को पता चल जाएगा कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, ठीक है।
वन वन माइनस वन जीरो, आर टू माइनस फोर आर वन, फोर माइनस फोर इंटू वन जीरो, फोर माइनस फोर इंटू वन सेम है ना तो जीरो। देखो माइनस थ्री माइनस फोर इंटू आर वन क्या है माइनस वन है, सो प्लस फोर हो जाएगा माइनस थ्री, फोर माइनस थ्री इज वन राइट। इसके बाद यहां पे क्या होगा आर टू माइनस फोर आर वन वन जीरो है ना, यहां पे आते हैं आर थ्री, आर थ्री प्लस सिक्स आर वन ये तो जीरो हो गया। यहां पे क्या होगा टू प्लस सिक्स इंटू वन दिस इज एट, यहां पे क्या होगा आर थ्री टू प्लस सिक्स इंटू आर वन माइनस वन तो कितना होगा माइनस सिक्स, टू माइनस सिक्स माइनस फोर तो यहां पर कितना होगा माइनस फोर। यहां पर आते हैं क्या होगा आर थ्री प्लस सिक्स आर वन सो टू प्लस सिक्स इंटू जीरो कितना है टू आया ठीक है। सेम अब यहां पे R4 का R4 फोर माइनस नाइन आर वन ये तो जीरो हो गया, ये भी क्या ये भी जीरो आएगा, वन नाइन है राइट ये भी जीरो आएगा। यहां पे देखते हैं क्या आएगा R4 फोर माइनस सिक्स माइनस नाइन इंटू आर वन माइनस वन दिस इज प्लस नाइन माइनस सिक्स, नाइन माइनस सिक्स इज थ्री। यहां भी आएगा R4 फोर माइनस नाइन आर फोर में थ्री है और यहां पे जीरो है आर वन में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहां पे थ्री आंसर आएगा ठीक है। अब क्योंकि ये मैट्रिक्स रिड्यूस हो गया है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन एंड वी नो दैट डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स विल नॉट चेंज इवन बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री ऑपरेशन एक्सेप्ट इंटरचेंज ऑपरेशन, यहां पे इंटरचेंज ऑपरेशन नहीं हुआ है तो हम इसका डायरेक्टली डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, जो वैल्यू मिलेगा वो सेम होगा इसके। तो यहां से हमें डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना बहुत ईजी हो गया है, हम फाइंड आउट करते हैं वन जीरो 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 वन जीरो ठीक है। तो डिटरमिनेंट अलोंग फर्स्ट कॉलम हम फाइंड करेंगे ठीक है, अलोंग फर्स्ट कॉलम ठीक है, इसका साइन क्या मिलेगा हमें तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना तो इसका साइन प्लस रहेगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सो माइनस, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम प्लस, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम माइनस ठीक है, कोफैक्टर का साइन है। इसका डिटरमिनेंट हमें निकालना होता है आता है, हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली कैसे, हम डिटरमिनेंट अलोंग फर्स्ट कॉलम फाइंड कर रहे हैं राइट, तो वन इंटू उसके रो और उसके कॉलम को छोड़ो बचा क्या लिख दो सो जीरो वन वन एट माइनस फोर टू एंड देन जीरो थ्री थ्री ठीक है। इसके बाद जीरो है तो जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो, जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो, जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो तो उसको इग्नोर कर सकते हैं राइट। यहां पे वन इंटू दिस डिटरमिनेंट तो यही डिटरमिनेंट रहेगा। अब यहां पे हमें डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है तो हम यहां पे भी डिटरमिनेंट अलोंग फर्स्ट कॉलम फाइंड आउट करते हैं क्योंकि यहां पे दो जीरो है और सिर्फ एक ही एलिमेंट है, इसका साइन क्या आएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो क्या आएगा माइनस आएगा राइट, इसका साइन क्या आएगा माइनस आएगा तो फाइनली हम इसका आंसर क्या मिलेगा हमें इक्वल्स टू वन इंटू एट इंटू दिस इज माइनस एट ओके माइनस एट राइट, यहां पर साइन का माइनस एट है माइनस एट इंटू इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ बचेगा वन वन थ्री थ्री, वन इंटू थ्री वन इंटू थ्री कितना आएगा जीरो आएगा, जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो। मतलब क्या कि इसका हमने डिटरमिनेंट निकाला और डिटरमिनेंट हमें क्या मिला जीरो मिला ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूं स्पेस कम अपने पास, तो हमें इतना समझ में आ गया कि इसका डिटरमिनेंट का हमें क्या मिला जीरो मिला। जीरो से पता चल गया है कि जो वेक्टर दिया हुआ था ये क्या है लिनियरली डिपेंडेंट है ठीक है ना, हमें पता है व्हेनेवर डिटरमिनेंट ऑफ वेक्टर्स बिकम जीरो देन दोज वेक्टर्स आर लिनियरली डिपेंडेंट ठीक है। तो हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि वेक्टर्स आर लिनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, नो दे आर लिनियरली डिपेंडेंट। ऑल्सो फाइंड देयर डायमेंशन एंड बेसिस, तो डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे डायमेंशन के लिए आपको उसका डेफिनेशन पता होना चाहिए। डेफिनेशन क्या है इसका, डायमेंशन क्या है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज और कॉलम्स ठीक है। तो नॉन जीरो रोज कितने हैं इसमें एक दो तीन चार, चार नॉन जीरो रोज है राइट,
बट क्या हम लोग इसमें और भी देखो, इससे हमें पता चलेगा कि लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। बट नॉन जीरो रोज यहां पे चार है, उसके पहले आप चेक करो क्या मैं इसको और भी रिड्यूस कर सकता हूं, क्या मैं इसको और रिड्यूस कर सकता हूं कि पूरे एक रो को जीरो रो बना दूं। तो ट्राई करते हैं, देखो इसकी मदद से, देखो ए आर टू और आर फोर को देखो, 0011 है, 0033 है, राइट। तो मैं आर टू की मदद से आर फोर के सारे एलिमेंट्स को जीरो बना सकता हूं, राइट। आर टू की मदद से आर फोर में मैं क्या बना सकता हूं, सारे एलिमेंट्स को जीरो बना सकता हूं। तो मुझे मिलेगा क्या फाइनली, किसमें चेंजेस नहीं हो रहा है उसको लिख दो फटाफट, 0011 08 -4 2। यहां पे सारे जीरो जाएंगे, देखो ये 00 ऑलरेडी है और ये 00 चेंज इसलिए नहीं होगा क्योंकि R2 में भी 00 है, ठीक है। यहां पे 3 है, R4 में 3 है, -3 × R2 कितना है 1 है, तो 3 -3 0, यहां पे भी 3 -3 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। देखो डिटरमिनेंट तो आपने फाइंड आउट कर लिया, यहां से डिटरमिनेंट तो आप यहां से फाइंड आउट कर सकते थे क्योंकि डिटरमिनेंट हमें रिड्यूस करके फाइंड आउट करना थोड़ा इजी हो गया था, इसलिए हमने डिटरमिनेंट फाइंड आउट करके हमने ये जज कर लिया कि जो वेक्टर्स दिए थे लीनियरली डिपेंडेंट थे या इंडिपेंडेंट थे। बट उसके बाद क्वेश्चन में पूछा था डायमेंशन और बेसिस। डायमेंशन का डेफिनेशन क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज और कॉलम्स। तो नॉन जीरो रोज के लिए आपको पूरा रिड्यूस करना पड़ेगा, राइट। अगर यहां तक टोटली रिड्यूस हो गया होता तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहां पे नॉन जीरो रोज चार थे, बट इसको हम लोग और रिड्यूस कर सकते थे। फिर मैंने और रिड्यूस किया तो हमें मिला क्या, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 3 मिले, राइट, 1 2 3। सो डायमेंशन क्या है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज और कॉलम्स। तो डायमेंशन हम लोग क्या लिखते हैं, नॉन जीरो रोज कितना है, 1 2 3, इसको हम लिख देते हैं, क्या मिला 1 1 -1 0 0 0 1 1 0 8 -4 2 0 8 -4 2, ठीक है। ये सारे क्या है मेरे डायमेंशन, ठीक है। उसके बाद बेसिस क्या होता है, बेसिस इज नथिंग बट सेट ऑफ नॉन जीरो रोज और कॉलम्स, मतलब ये जो वेक्टर्स हैं इन्हीं का सेट। तो सेट कैसे लिखते हैं हम लोग, ऐसा, ठीक है। ये जो 3 वेक्टर मिले हैं आपको, इनको आप इस सेट में लिख दीजिए, ठीक है। और जो आंसर आपको मिलेगा वो क्या होगा, आपका बेसिस होगा, ठीक है। तो फाइनली इस क्वेश्चन को लेकर हमने समझा कि कैसे लीनियरली डिपेंडेंट या फिर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स फाइंड आउट करने का। और फाइंड आउट करने के बाद अगर हमें क्वेश्चन में डायमेंशन एंड बेसिस भी पूछा तो उसको भी कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग होमोजीनियस इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और ये भी देखते हैं कि उनको कैसे सॉल्व किया जाए जिससे हमारा आंसर मिल जाए और हम एग्जाम में ऑप्शन को टिक कर सकें, ठीक है। थैंक यू।